इसकी जनता ने किया है। मित्रों, दो दिन पहले एग्जिट पोल के रुझान आए, कुछ लोगों को रुझान हजम नहीं हुए और मैं आश्चर्यचकित हूं 21 परिवारवादी पार्टियों ने पूरा दिल्ली सर पर उठा लिया था। घूम घूम कर एक दूसरे को मिलने जाता था, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवे को, छठा सातवे को। उनको लगता था कि ये एग्जिट पोल गलत पड़ने वाला है और ईवीएम के अंदर हम मतभेद खड़ा कर जनता में भ्रांति फैलाएंगे। मगर मित्रों, आज जब जनादेश आया तब एग्जिट पोल से भी आगे जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 21 परिवारवादी पार्टियां जो दिल्ली में घूम घूम करती थी, मैं इनको इतना ही सलाह देना चाहता हूं और विशेषकर चंद्रबाबू नायडू को कि इतना परिश्रम अगर आपने वोट प्राप्त करने के लिए किया होता तो आपका खाता शायद खुल जाता। मित्रों, आज इसके साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं। आंध्र के अंदर श्री जगन रेड्डी के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री जगन रेड्डी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के अंदर भी श्री नवीन पटनायक जी को विजय प्राप्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नवीन पटनायक को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। सिक्किम के अंदर श्री पवन चामलिंग जी को और उनकी पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। श्री पवन चामलिंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अरुणाचल के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है।